अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा की आमद आमद है। तो आज मैं आपको इस ईद के बारे में कुछ बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, जी हम लोगों को ज़रूर आप बताएं कुर्बानी के बारे में। इस ईद पर यानी ईद उल अज़हा पर दुनिया के सब मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अहमद भाई, कुर्बानी क्या होती है? जी अकबर बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कुर्बानी के बारे में। सुन्नत इब्राहिमी यानी कि इस दिन हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करते हैं और उसमें हम गाय, बकरे, दुम्बे, ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। और हाँ, एक और बात, अल्लाह के पास ना ही गोश्त जाता है और ना ही खाल जाती है। अल्लाह के पास सिर्फ़ और सिर्फ कुर्बानी करने वाले की नियत जाती है, यानी कि अल्लाह ताला हमारी नियत देखते हैं। अब हमारा छोटू अकबर पूछेगा कि ये नियत क्या होती है, तो मैं बताता हूँ कि नियत ये होती है कि आप कोई भी काम करें तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करें, इस काम में किसी को दिखावा करने की आपकी नियत ना हो। तो आपकी ख़ास नियत अल्लाह ताला के लिए हो, आप कुर्बानी अल्लाह की राह में करें। अच्छा अहमद भाई, मैं इस बात में कुछ ऐड करूं? हाँ बिलाल बेटा, ज़रूर बताओ क्या कहना चाहते हो। मेरी मम्मा बोलती हैं कि ईद उल अज़हा पे यानी बड़ी ईद पे जब हम कुर्बानी करें और उसका जो गोश्त आए वो हम अपने उन रिश्तेदारों में जो गरीब हैं और उन लोगों में जो हमें अपने रोड पे, अपनी सोसाइटी में या हमारे घर के आसपास दिखते हैं, हम उनको वो गोश्त तकसीम करें ताकि अल्लाह ताला भी खुश हों और वो लोग जिन्होंने कई दिनों से गोश्त नहीं खाया वो गोश्त खा सकें। तो इसमें हमें सवाब भी मिलेगा और दुआएं भी मिलेंगी। ये वाला काम। अच्छा, अब आप भी कुछ बता दो। मेरी मम्मा कहती हैं कि ईद के ऊपर जब हम जानवर लाएं तो वो देख के लाएं कि जानवर खूबसूरत भी हो और उसमें कोई नुक्स ना हो, यानी उसका सींग ना टूटा हुआ हो और उसका पैर ना टूटा हुआ हो, तो जो है कुर्बानी कबूल होती है। और दूसरी बात ये कि जब हम कुर्बानी के जानवर को लाएं, वो बकरा हो, गाय हो, ऊँट हो, हम उसकी खूब खिदमत करें, उसको चारा खिलाएं, उसको साफ रखें, इसमें भी अल्लाह ताला हमें बहुत सारा सवाब देते हैं। तो देखा आप लोगों ने, आज हमने ईद उल अज़हा के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।